बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मदीहा मलिक। नाजरीन, अमेरिका ने यकतरफा तौर पर ऐलान किया था कि ईरान के खिलाफ अक्वामे मुत्तहदा की पाबंदियाँ दोबारा नाफिजुल अमल हैं और इनकी खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। याद रहे कि ये पाबंदियाँ सन 2015 में हटा ली गई थी जब ईरान ने एटमी हथियारों की तमीर के लिए बैनुल अक्वामी महदे पर दस्तखत किए थे, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अमेरिका को इस माहदे से दस्तबरदार कर दिया था और ये कहा था कि ये माहदा नाकाफ़ी है। नवंबर 2020 में क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या ये इलेक्शन जीतने के लिए उनके नया हरबा है या फिर ईरान ने इसराइल को कबूल करने से इनकार किया और ईरान ने कहा कि जो ममालिक इसराइल को कबूल कर रहे हैं और उनकी वजह से अगर खित्ते में अमन ख़राब होगा तो वो इसके ज़िम्मेदार होंगे। क्या ये वो वजह है जिसकी वजह से ईरान पर दोबारा पाबंदियाँ लगाई गई? मेरे साथ आज मेरे पैनल पर मौजूद है मीर वाइस खिलजी, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मीर वाइस साहब, ये बताएं कि नवंबर 2020 में होने वाले इंतखाबात में क्या ये कदम जो ट्रंप ने उठाया है उसके लिए सूदमंद साबित होगा? देखें, ईरान, मैंने एक प्रोग्राम पहले यहाँ पे या किसी न्यूज़ चैनल के अंदर ये प्रोग्राम में बात की थी कि ट्रंप अपने लिए कुछ माइलस्टोन इकट्ठा कर रहा है जिसके बिना पर वो अपना इलेक्शन कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, तालिबान के साथ 20 नगोशिएशन, ईरान के साथ वो वापस सख्ती करना, ठीक है, क्योंकि आपको सब लोगों को पता ही है, सबको पता ही है कि वहाँ पे जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसमें ज़्यादातर यहूदी लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और इसराइल का फैक्टर वहाँ पे बड़ा एक मैटर करता है, तो वहाँ पे उनकी जो उनके बेनिफिट्स हैं या उनकी गोल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना बड़ी ज़रूरी होता है जो भी प्रेजिडेंट के इलेक्शन लड़ता है। तो ये सारी उन चीज़ों की कड़ियाँ हैं जो अपने इलेक्शंस के लिए करेंगे। डेफिनेटली जिस तरह से द वे वो ईरान के साथ है तो वो चीज़ें तो आएंगी और उसी के असर तो होगा। अब देखना ये है कि वहाँ के जो लोग हैं वो इस चीज़ को कितना एक्सेप्ट करते हैं और क्या होता है। देखिए, इस टाइम ऑलरेडी हमें एक चीज़ नोट करना चाहिए कि अमेरिका बहुत से मुल्कों में बैकफुट पर चला गया है, उनके जो सफारती ताल्लुकात है वो काफ़ी डैमेज हो चुके हैं, काफ़ी मुल्कों वो उनके हाथ से निकल चुके हैं। अब आई डोंट नो वो क्या ये एक नया एक पेंडोरा बॉक्स खोलना चाहते हैं या खोल सकते हैं, ये देखना पड़ेगा क्योंकि ये फैक्टर है। अब वो अगर कोई एक्शन लेते भी हैं तो दे आर ऑलरेडी डूइंग विद चाइना। क्या चाइना एक्सेप्ट करेगा? मुझे नहीं लगता करेगा। क्या रशिया एक्सेप्ट करेगा? कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान की तरफ जो मोटिव होता है, क्योंकि अभी इसके सीपैक के रूट के साथ वो पाकिस्तान भी अटैच हो गया है और इंडिया से दूरी की वजह से तो पाकिस्तान के ताल्लुकात और भी बेहतर हुए। अब जब पाकिस्तान की तिजारत होगी तो तिजारत को देखना पड़ेगा कि कितने क्या वो स्टैंड लेने के काबिल है पाकिस्तान अभी अमेरिका के साथ। फिलहाल तो नहीं है, तो कोई डिप्लोमेसी चैनल स्टार्ट करके कोई अलका पुलका वो स्टैंड तो लेना पड़ेगा, बिकॉज चाइना और रशिया इवन तुर्की भी उसी जो पैनल है उसी के अंदर है, तो अब उसी चीज़ को देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से उसके लिए तो बेनिफिट है ट्रंप के लिए, क्योंकि वो जिस जगह पे इलेक्शन लड़ रहा है, तो मैंने कहा जैसे यहूदी लोग भी बड़े स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली अगर वो इसराइल को भी वो दूसरे मुमालिक अरब मुमालिक के साथ जो है ना दोस्ती की तरफ थोड़ा रागिब कर रहा है। और देखिए, इसराइल का देखिए, हम इतना सा मुल्क है, छोटा सा, लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी इकॉनमी, कोई बड़ी इकॉनमी नहीं है उनकी। अब ये जो होता है, हमारा एक प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है फिफ्थ जनरेशन वार जो कि मैं करूँगा और उसकी कोई 15-16 एपिसोड्स हैं। उस एपिसोड्स में मैं बात बयान करूँगा कि कैसे वो कौन सी लॉबी है जो इसराइल को फ्रंट पेज पे रख के तो पूरी गेम जारी रखती है और अपने अहदाफ हासिल करती हैं, जो जनरेशन वॉर कहते हैं उसको कैसे आगे बढ़ेगी और फिफ्थ जनरेशन वॉर जो आजकल हो रही है वो है क्या चीज़, ये सब उसी का हिस्सा है। इट्स नॉट अबाउट ओनली इसराइल, इट्स वो लॉबी जो बनी हुई है जो कि अपना गेम रोल प्ले करती है, इकोनॉमी कंट्रोल में रखती है, वो कौन सी लॉबी है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ईरान का दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात जो है ना बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी वजह से उनकी तजारत पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा ये जो नई पाबंदी लगी है उनके ऊपर? देखिए, ईरान पहले मिस्टेकन था, उन्होंने अपने जो अतराफ या उन ममालिक जो उनके नेबरहुड में है, इसको दोबारा करता हूँ,
इस सवाल को। एक दफ़ा देखें, ईरान पहले भी गलती कर रहा था, उनके जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान उसकी नेबर कंट्री है मगर उसके ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर थे इंडिया के साथ। उनके नेबर कंट्री है अफगानिस्तान मगर उसके ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात थे उसके उस पार रशिया के साथ। सऊदी उसके नेबर कंट्री है मगर उसके ताल्लुकात बेहतर है उसके आगे इराक वगैरह उनके साथ, ठीक है। अब धीरे धीरे वो भी समझने लगा कि इट्स इंटरनेशनल लॉ, तिजारत के अंदर इकोनॉमी के अंदर आपको ज़रूरी है कि आप अपने नेबर्स के नो मैटर व्हाट आप अपने ताल्लुकात बहाल करें। तो वो भी स्लोली ग्रेजुअली मूव किया और चूंकि अभी उसने एक लॉबी जो एक सर्कल आना दूसरा सर्कल बन रहा है एशिया की तरफ, चाइना रशिया और पाकिस्तान तुर्की ये सारे एक साइड पे होते हैं तो उनको भी एक ज्वाइन तो करना था। ऑलरेडी वो बिल्कुल एक किनारे पे थे और अब मज़ीद वो कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने जो स्टेप लिया है तो वो डेफिनेटली कि जिनको ज़रूरत थी, क्योंकि उन्होंने देख तो लिया है कि इंडिया के साथ नो मैटर व्हाट कितना भी अच्छा ताल्लुकात हो वो अपने मफाद को देखते हुए ही आप जो भी डिसीजन लेना होता है वो दे लेते हैं। वो जब उनका मफाद था तो वो ईरान के साथ भी थे और तिजारत का ऐलान भी कर देते, मगर जब उनको मौका मिल गया अमेरिका के गोद में बैठने का तो उन्होंने दो मिनट सोचा नहीं और वहाँ से चल गए। तो उनको अभी डेफिनेटली पता चल गया कि दे कैन नॉट डिपेंड ऑन इंडिया एनी टाइम, वो कभी भी अपना रुख बदल सकते हैं किसी टाइम भी। बेसिकली दे आर बनिया, इंडियन गवर्नमेंट जो है बनिया, जहाँ पे उसको प्रॉफिट नज़र आएगा वो वहीं पे जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, ईरान ने जो बयान दिया था कि मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन ने जो इसराइल के साथ माहिदे किए हैं अगर उससे खित्ते में अमन ख़राब होगा तो उसकी जिम्मेदार ये दोनों ममालिक होंगे, तो क्या ये इस बयान का नतीजा है कि उनके ऊपर पाबंदियाँ दोबारा आएंगी? देखिए हाँ डेफिनेटली, जैसे उन्होंने ये प्रेशर सऊदी और बहरीन वगैरह सब पे प्रेशर किसका है, अमेरिका का है, ये सारा कुछ करवा कौन रहा है? अमेरिका रहा है। ट्रंप अपनी जो कमिंग इलेक्शन है उसमें इसको कैश करना चाहता है और वो कैश करेगा और वही बार बार अपने ट्विटर के ज़रिए और अपने स्पीचेस के ज़रिए और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए यही कह रहा है। तो अगर वो उसकी चीज़ों में कोई खलल डालेगा तो वो उसको डराने धमकाना या कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटेजी तो अपनाएगा जिससे उसको डरा सके, तो वही ईरान के साथ। अच्छा, आपने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि बहरीन है अगला मुल्क जो कि इसराइल के साथ मुआहदे करेगा, अब अगला कौन सा मुल्क होगा? आपने कुछ चार पाँच ममालिक का नाम लिया। हाँ वो मैंने नाम तो लिए हैं, ठीक है। बहरीन तो आ गया क्योंकि तब सिर्फ सऊदी अरब था, मैंने कहा नेक्स्ट हो सकता है बहरीन और एक दूसरा मुल्क मैंने नाम लिया हुआ था। अब उसी के साथ साथ दूसरे जो गल्फ कंट्रीज़ हैं जो के असर उसके नीचे मातहत आते हैं सऊदी के अंदर, जितने भी ममालिक हैं, ओमान हो सकता है अगला ओमान में मुझे लग रहा है। अब आई डोंट नो, एक मेरी पेशेंगोई तो सच सच साबित हो गई, अब दूसरा मुझे दोनों मगर ये कि ओमान मुझे लग रहा है कि वो। अच्छा, नेक्स्ट। ईरान को दोबारा से ये जो पाबंदियाँ लगी हैं इनकी वजह से क्या मुश्किलात सामना करना पड़ सकता है? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन अगेन? ईरान के ऊपर जो पाबंदियाँ लगी हैं दोबारा से, इसकी वजह से उसे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? देखिए अगर पाबंदियाँ लगती हैं मगर पाबंदियाँ लगने के सूरत में क्या बाकी ममालिक उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं कर, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता, अगर वो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी किस स्टेट किसका खिलाफवर्जी करेगा उसको सख्त सजा, किसको देगा? वो चाइना कर रहा है, चाइना को अमेरिका क्या कह सकता है? कुछ भी नहीं। रशिया कर रहेगा, रशिया को पहले भी वो करता रहा, यानी छोटे ममालिक को एक तरह से डराया जा रहा है कि वो उनके साथ तिजारत, मगर उनका तिजारत तो है ही नहीं ना उनके साथ, मतलब 2%, 4%, 5% है। बड़े स्टेक होल्डर्स तो चाइना और रशिया है, अगर वो करेंगे तो वो उनको कुछ नहीं कह सकता, तो ऑटोमेटिकली जो छोटे ममालिक है वो भी एंट्री मारेंगे। अच्छा, पाकिस्तान के जो ईरान के ऊपर पाबंदियाँ लगी हैं, पाकिस्तान इस पर क्या असरअंदाज होगा? देखिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, हमारी तिजारत स्टार्ट हो। तिजारत इसीलिए है कि बहुत सी चीज़ें जो बाहर ममालिक से हम ख़रीदते हैं वहाँ वही चीज़ हमें ईरान से बड़े कम कीमत में वसूल हो सकते हैं और मिल सकते हैं, दरामदात हम कर सकते हैं। तो अगर हमारी जो यहाँ वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान भी किया कि वो ईरान के बॉर्डर पे जो है ना वो कायम करेंगे मार्केट्स, जी देखिए यही स्टेप था, ये मैं वाइट पॉसिबल कि यही इंडिया की डिमांड भी हो एक तरफ से, तो जो है वो इसराइल तो डेफिनेटली मैटर करता है, हो सकता है अभी जो नए उनको खिलौना मिला हुआ है इंडिया उनकी भी डिमांड हो ये कि आप इनको अगर कर देंगे तो रशिया जो ईरान के साथ वो ज़्यादा करीब होंगे, तिजारत बढ़ेगी तो तिजारत वो दहशतगर्दी का इससे खतरा बढ़ नहीं जाएगा। देखिए एक चीज़ मैं एक ऐड कर दूँ इसके अंदर,
अगर ईरान के साथ हमारी तजारत बिल सही तौर पे स्टार्ट हो जाती है ना, तो जो हम दरामदात इंडिया से कर रहे हैं ना उस पर बड़ा असर पड़ेगा। तो इंडिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये सारा कुछ कर रहा है ताकि उस पर उनकी जो बिजनेस है उस पर असर ना हो। तो उनकी भी डिमांड यही है कि पाकिस्तान ईरान से ज़रा फासले पर रहे। जी तो देखना ये होगा कि ईरान अमेरिका की दोबारा लगाई गई पाबंदियों का सामना किस तरह से करता है, और ईरान और अमेरिका इस पूरे खत्ते में अमन को किस तरह से कायम करते हैं, और सदर डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जीतने के लिए मजीद कितने जतन करने पड़ेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।